जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मेरा नाम डॉक्टर तरु छाया है, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ और यहाँ पर जयपुर ऑब्स एंड गायने सोसाइटी की सेक्रेटरी भी हूँ। राइट टू हेल्थ मतलब हमारा सबका, आम जनता का राइट होगा कि वो हेल्थ ले। वो तो भगवान ने सबको राइट दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के इतने सारे संस्थान खुद ही खुले हुए हैं जहाँ पर सबको फ्री इलाज मिलता है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पर ये थोपना क्यों चाहती है कि वो भी वो इलाज दे जो गवर्नमेंट अपने आप में शायद नहीं दे पा रही है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बिल हमको नहीं चाहिए। हम इसके अंदर एलिगेशंस में फंसते हैं। अगर कोई भी हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हमने अपने अपना दम लगा के भी काम किया और नहीं हुआ, तो फिर हमारे ऊपर किस बात के हम एलिगेशन चाहते हैं? इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल हम पर थोपा जाए। इस बिल में बहुत त्रुटियाँ हैं, जैसे कभी भी इमरजेंसी पेशेंट को परिभाषित नहीं करी गई है। इमरजेंसी कोई छोटा पेन भी हो सकता है, कोई बड़ी इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई रप्चर भी हो सकता है। तो इस कंडीशंस में बाध्य कर रहे हैं डॉक्टर्स को कि फ्री इलाज करा जाए, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो खुद का हॉस्पिटल खुद ही चला रहे हैं। देखो, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ना, वो अपने लेवल पर ही उस लेवल तक पहुंचता है सर इलाज देने की, जहाँ पे वो खुद से खर्चा करके आया है। फ्री इलाज अपन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए फिर भी अभी तक भी देते आए हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अगर मान लो आज पेशेंट डिलीवरी का आ गया, मुझे सिजेरियन करना पड़े, मैं फ्री सिजेरियन कैसे कर सकती हूँ? प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में चले जाओ। अगर मैं गवर्नमेंट में स्टेबल करके पहुंचती हूँ तो बोलते हैं आप पहले इस लेवल तक पहुंचाओ उसको कि वो गवर्नमेंट जा सके, पर भेजें कैसे? और फिर वो उसके जो अटेंडेंट आते हैं वो हम लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं, मारा पीटी करेंगे। हम ये चीज़ें नहीं चाहते फ्यूचर में, और फ्यूचर में आज जो लिखेंगे वो हमारा आने वाली प्रोजेनी हमारी सफ़र करेगी।